मैं देश के युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम छवि आर्य है। मैं पाली आर्य विरदल राजस्थान से हूँ और मुझे यहाँ आते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। मैं करीबन 3-4 साल की थी तब से यहाँ आ रही हूँ। मेरे परदादा जी यहाँ से जुड़े थे, उनका नाम मांगीलाल जी आर्य है, उन्हें सभी लोग जानते हैं। वो हमारे यहाँ रित्मानंद ट्रस्ट, जो गुरुकुल आश्रम है आर्य समाज का, उसमें ट्रस्टी रह चुके हैं। हालाँकि अब वो इस दुनिया में हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से जुड़ने की प्रेरणा उन लोगों से मिली। मेरे फैमिली में मेरे फादर अंकल सब लोग यहाँ से आते हैं। मैंने यहाँ पे आके लाठी तलवार और यहाँ जो कैंप लगते हैं आर्य विरदल आर्य समाज के, उसमें मैंने जूडो कराटे और भी बहुत कुछ सीखा है। और अभी मैं रेसलिंग, अभी मैं करंट टाइम में रेसलिंग प्लेयर हूँ और मैंने राजस्थान में 4 स्टेट मेडल ले रखे हैं। सभी को आना चाहिए। मेरी फैमिली से मेरी सारी सिस्टर आर्य समाज में आती है, मेरी पूरी फैमिली आर्य समाज ही है। और मैं प्रयास करती हूँ कि पाली से और भी लड़कियाँ आर्य समाज में आए और राजस्थान में भी काफ़ी लड़कियाँ जुड़े। राजस्थान में लड़कियों के आर्य समाज के कैंप भी होते हैं, हालांकि मेरी सिस्टर ने दिल्ली कैंप अटेंड कर रखे हैं आर्य समाज के। और मैं प्रयासरत रहूँगी यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए। मैं पिछले 10 वर्षों से नियमित आर्य विरदल आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से आने से पूर्व एक बड़ी दिग्भ्रमित पथ पे था मैं। जीवन का कोई अर्थ नहीं था, विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसनों के नज़दीक था मैं, बुरी संगत का असर था मेरे पे। पर यहाँ आने के बाद मेरे एक जीवन में एक परिवर्तन आया। मैंने वेदों के ज्ञान के साथ खेलों से जुड़ा मैं। यहाँ आने के बाद मैंने अपने शरीर को स्वस्थवान किया और मैं बॉक्सिंग से जुड़ा। और नियमित 10 वर्ष बॉक्सिंग करने के बाद मैं आज साथ में मैंने अपनी अध्ययन भी किया और आज मैं एक शारीरिक शिक्षक हूँ। मेरा चयन हो रखा है राजकीय सेवा में, तो अब मैं साथ में कोच हूँ, राष्ट्रीय स्तर का मुक्केबाज हूँ। और मैंने पाली में अपने स्तर पे बच्चे तैयार करने की एक पहल की, कोशिश की, और आज हमारे पास एक बड़ा सा ग्राउंड है, बहुत सारे बच्चे हैं और 15 से 20 बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज बने। तो आर्य समाज, आर्य विरदल और यहाँ इस शाखा से जो मैंने सीखा वो मैं बच्चों को सिखाता हूँ और नियमित नित्य प्रतिदिन प्रयासरत रहता हूँ कि आर्य विचारधारा का प्रभाव है जो चारों तरफ फैले। वो क्या लगता है कि आर्य समाज, आर्य विरदल के शिविरों में आम समाज को भी अपने बच्चे भेजने चाहिए? ये जैसे कि ये जो आपका क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल सी बात है कि आर्य विरदल आर्य समाज एक सुगंध की भांति है जो चारों दिशाओं में फैलनी चाहिए। वेदों का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है, जिस प्रकार हवा, पानी, जल सबके लिए है, उसी प्रकार वेदों का ज्ञान सबके लिए है। तो चारों तरफ ये पाली में शाखा चलती है आर्य विरदल की? पाली में आर्य विरदल की काफ़ी शाखाएं चलती है, जिसमें से आर्य विरदल की प्रधान शाखा दयानंद सरस्वती व्यायामशाला से मैं बना हुआ हूँ। 2008 में एक जोधपुर में कैंप हुआ था आर्य विरदल का, जहाँ पे मैं पहली बार गया था। उस 10 दिन के कैंप में ने मेरे जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया कि आज मैं किसी भी प्रकार की कई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, जहाँ पे मैं एक उचित वक्ता के रूप में अपना भाषण वगैरह देता हूँ और मेरे लोग मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं और एक अपने जीवन का एक मूल्य आ गया है। मैं आज स्वयं के ऊपर विश्वास रख के मैं बोल सकता हूँ मैं भी कुछ हूँ। तो इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते। आए जुड़े आर्य समाज आर्य विरदल से और चारों ओर वेदों का प्रचार प्रसार आर्यों का प्रथम कर्तव्य है, तो आप सभी को सादर नमस्ते। ये शिक्षा के बारे में ये है कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो समवर्ती सूची है उसमें कहीं भी वैदिक शिक्षा का नहीं है पॉइंट। वैदिक शिक्षा को चलाना चाहिए, जिसमें कि पाखंडित शिक्षा है, वो बच्चों में विज्ञान पर आधारित है। उस शिक्षा से क्या बच्चों का मानसिक और आत्मिक विकास होगा और अध्यात्म में भी सभी जुड़ेंगे। तो केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार से हमारा अनुरोध है आर्य विरदल पालिका कि आप वैदिक शिक्षा को इस मुख्य धारा में जोड़ें। धन्यवाद। और हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी आज पाली में हमारे इस महर्षि दयानंद सरस्वती व्यायामशाला में पधारे और हमें जो उद्बोधन दिया देश, संस्कृति, धर्म और आर्य समाज के प्रति, उनको देखकर हम गदगद हो गए। और हमारा ये अहोभाग्य है कि हमने उनके उद्बोधन को सुना है और उनको देखते हुए हम उनके पद चिन्ह पर चलने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में जब तक ऐसे संत रहेंगे तब तक हमारा देश, राष्ट्र और धर्म सुरक्षित रहेगा। जय हिंद। नमस्ते। आशा करते हैं मिशन आर्यावर्त के समस्त कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे।
हमारे कार्यक्रमों से निरंतर जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल मिशन नारीवाद को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.missionarivart.com पर भी अवश्य विजिट करें, जहां पर आपको प्रतिदिन योग, वेद, महाभारत, रामायण व चाणक्य आदि विषयों पर सैकड़ों सुविचारों के अतिरिक्त 500 से ज़्यादा गीत व भजन ऑडियो वीडियो में उपलब्ध रहेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप सभी से वैदिक मान्यताओं की पुनर्स्थापना में समर्पित मिशन नारीवाद की टीम को अपना सकारात्मक सहयोग देने की अपील के साथ मिशन नारीवाद के समस्त कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का निवेदन भी करते हैं। आप अपने सुझाव व प्रतिक्रिया स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबरों पर। मैं देश के युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।